अब ना वफा होगी ना वफा की बातें होंगी, जो होंगी 11 के बाद होंगी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां तालियां तालियां। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आरजे फजा फ्रॉम कंपटीशन कम्युनिटी आका कोको, और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और आपको तो पता है कि 11 फरवरी आने वाले कुछ दिनों बाद होने वाले हैं प्रीलिम्स CGPSC के एग्जामिनेशन। तो ऐसा वक्त जो एक हफ्ते पहले का होता है ना, वो बटरफ्लाई वाला पीरियड होता है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिविजन कर लो, लास्ट तक ऐसा लगेगा यार वो छूट गया, ये टॉपिक तो रह ही गया। तो चलिए आइए कुछ स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कैसा लग रहा है, और कितनी चाय की चुस्कियाँ हो रही हैं दिन भर में, और गर्लफ्रेंड को कितना वक्त दे रहे हैं, और घर से कितनी गालियाँ पड़ रही हैं उन्हें। लेट्स हैव अ लुक। राजधानी में कुछ दिन बाद हो सकता है ये राज करे एज एन ऑफिसर। सो हियर आई हैव सम मंडेज फ्रॉम छत्तीसगढ़ के टूरे लोग यहाँ पर हैं और दे आर डूइंग CGPSC। सबसे पहले ये बताओ कि भरी जवानी में आग के दरिया पे क्यों कूदना चाहे, क्यों, आखिर क्यों, जनता जानना चाहती है आखिर क्यों, CGPSC ही क्यों? बस खुजली थी तो कूद गए। किसने ये ज्ञान दे दिया कि CGPSC करना है? ये हम लोग को देखते देखते मतलब आ गया। किसको देखा भाई ऐसा? IAS लोग को, उनके पास रहता है ना करने का, लोगों के पास काम। भरी जवानी जा रही, गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं, शादी होने वाली है, शादी फिक्स हो गई है। गौर से देखिए इस इंसान को, ये चेहरा भोला भाला, चश्मे के पीछे शादी होने वाली है, गर्लफ्रेंड है नहीं? ऑलरेडी दो जॉब ले चुके हैं ना सर, इसी वजह से शादी होने। अब तीसरा? हाँ मतलब PSC बाकी है, बाकी जॉब लग चुकी है। क्यों बेचारे बच्चों का पेट मार रहे हैं सर आप? इतने 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 बुरे भी इंसान नहीं, ऊपर वाले के ऊपर अभी तक तो यकीन था मुझे कि कितना बुरा तो कोई नहीं हो सकता। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले शादी के लिए और फिर जॉब के लिए। अभी PSC के लिए देना, अभी PSC में जब ऑफिसर बन के आएंगे तब आपको दे देंगे। तो ऑल सेट 11 तारीख के लिए? बहुत डर लग रहा है। तो इतना क्या डर लग रहा है यार? मतलब ऐसा है कि पिछले बार से घर में भी टाइम लेके रखा है कि इतने साल के अंदर निकालना है करके, घर वाले तरफ से भी है प्रेशर और अपना भी है कि कुछ ना कुछ निकल जाए, नहीं तो एज भी हो जाएगा। तो कभी कभी आपके एजी ओजी लोजी सुनोजी नहीं बोलते कि यार कितना पढ़ रही हो, ठीक है ना? हमेशा बोलते कि आप पढ़ा करो, आप टैलेंटेड हो और आप ऑफिसर बनना डिजर्व करते हो, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा, तो हमेशा मोटिवेट करते। ओके, तो इस बार की तैयारी कैसी है, कौन सा पार्ट आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ हो सकता है इस बार? मुझे ऐसा प्री के लिए तो नहीं लगता मैम, क्योंकि मेरा प्री काफ़ी अच्छा जाता है, कट ऑफ से काफ़ी हाई नंबर रहते हैं। मेंस के लिए मुझे दिक्कत होती, मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाती, तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं कॉम्पिटिशन कम्युनिटी अटेन करूँगी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, तो पूरे आराम तलब होकर धूप तापते हुए नेचुरल विटामिन डी लेते हुए ये जो देसी मुंडे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आइए इनसे ये पूछते हैं कि ये कौन सा अटेम्प्ट होने वाला है। वैसे तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट होगा और उतना मैं सीरियस नहीं हूँ, बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के लिए दिला रहा हूँ मैं CGPSC फर्स्ट अटेम्प्ट को। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये सीरियस नहीं है। हाँ जी, तो इनका डब्बा खुल चुका है पर मैंने बंद करवा दिया क्योंकि मुझे इनसे बात करनी थी। एक बात बताइए, पढ़ते पढ़ते कितनी भूख लगती है? हाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ा ही लगता है, बट नींद आती है तो मैं अक्सर खाने आ जाती हूँ बाहर की, कहीं नींद ना आ जाए। तो अभी लास्ट क्लास के जो दिन बचे हैं उसमें कितना घंटे पढ़ाई कर रही हैं आप? लास्ट क्लास के दिन में वही 7-8 चल रहा है। ये जो समय बचा है 3-4 दिन का, सबसे ज़्यादा मन क्या करता है, इन दिनों क्या करना पसंद करते हो? ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन मतलब घूमने का मन करता है। एग्ज़ाम जब नहीं हुआ रहता ना तो घूमे ऐसा लगता है, बट ना हम नहीं चाह के भी नहीं जा सकते हैं उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमको पढ़ना है, ऐसा रहता है दिमाग में। ऑफिसर बनकर सबसे पहला बदलाव कौन सा लाना चाहेंगी?
लोगों की सेवा करने के लिए हाँ। जो योजनाएं हैं जो पहुंच नहीं पा रही है, एक्चुअल में योजनाएं आती है हाँ। कागज पे और वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, तो सबसे पहले यही रहेगा कि वहाँ की योजना बस लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे क्यों लग रहा है देखकर कि आप लोग इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं या कुछ? इंजीनियर से हैं सारे। मेरी आंखें आईआईटी दिल्ली से एमटेक किए हुए हैं। मैं संक्रावन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास आउट हूं, एनआईटी से पास आउट हूं। कैंपस सिलेक्शन में तो 14-15 लाख के पैकेज तो मिल ही जाते हैं जितना मुझे पता है। सरकारी नौकरी नहीं मिलता ना, सरकारी नौकरी का जो जलवा है वो यहाँ पर है और हमने क्या जॉब करके छोड़ दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी बने और जो ठुकरा के मेरा प्यार वाला जो बात है वो हम ये दिखाना चाहते हैं। तो कितने ही लड़कियों ने ठुकराया? सच 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 तो नहीं बता सकते क्योंकि वो देख रही होगी तो दिक्कत हो जाएगा। मैं इस इंटरव्यू के बाद उसका लिस्ट में दे दूंगा, इसका जो लिस्ट। बिल्कुल। तो यहाँ पे सभी ठुकराए वाले हैं कि ठुकरा कर आए हैं? कुछ कुछ ठुकराए वाले हैं, कुछ कुछ ठुक। सबसे ज्यादा टफ कौन सा पार्ट या कौन सा सब्जेक्ट्स लग रहे हैं? वही सीजीजीएस ही सबसे ज्यादा टफ है अभी तो, मतलब बाकी मैथ्स और सी सेट के लिए टेंशन नहीं रहता है। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये बोल सकती है यार ये तो कॉन्फिडेंट हूँ इस चीजों में, आँख बंद करके भी तुक्का लगाऊंगी तो भी सही होगा? वही सी सेट का सारे रहेंगे, हिंदी सीजी का और सीजी हिंदी और नॉर्मल हिंदी और इसके बाद रीजनिंग मैथ्स ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें मैं मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, मुझे लूज हो रही हूँ तो मैं सीजीजीएस को लेकर, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब को लेकर। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये फर्स्ट ही है मेरा। ओके, तो यार पहले एक बात बताओ कि किसने आपको ये ज्ञान दिया कि सीजीपीएससी कर लो? किसी ने नहीं दिया ज्ञान, मुझे खुद से लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे ट्राई करना चाहिए। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ मुझे ऐसा लगता है जो जूझ रहा है वो स्टूडेंट है, बाकियों के लिए तो बात करने का मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण की वजह से कितने लोग मार खाते हैं? यह सही चीज़ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट्स के हिसाब से? वैसे तो मुझे लगता है कि हमें कमेंट नहीं करना चाहिए रिजर्वेशन पे, बट इफ़ यू हैव आस्क्ड सो, तो एज अ स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि रिजर्वेशन फ़िलहाल तो गलत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं जो हिस्ट्री में कि उनका जो सिचुएशन था उन्होंने जैसा डील किया तो उससे लड़ने के लिए रिजर्वेशन अब तक का तो सही था। और मुझे लगता है जब जैसे ही एजुकेशन इम्बाइब कर जाएगा थ्रू ऑल स्ट्रेटा तो रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिसर बन के सबसे पहला बदलाव? शिक्षा। ऑफिसर बन के सबसे पहला बदलाव? आदिवासी लोगों के लिए सेवा करना। इन कंडीशन प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, तो फिर कौन सी कलर की साड़ी पहन के जाने वाली हैं आप इंटरव्यू देने? मैंने सोचा कि कोई मतलब ऑफिसर वाला कलर, जैसे कि ग्रे हो गया या ऐसा कुछ ग्रेनिश कलर हो गया बॉर्डर वाली, मैंने ऐसा सोचा है। इनकी तो पूरी सेट है तैयारियां। वेल, दूसरे जो देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं इस एग्जामिनेशन में? ओके, गिव अप एवरीथिंग बट नेवर गिव अप। अगर आपने सोचा है तो पोस्ट लेके ही जाना है चाहे कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं। अच्छा, आपने 12th फेल देखी है? हाँ, देखी भी है और उसकी बुक भी पढ़ी है मैंने। बुक का छोड़िए, अगर आपको कोई 12th फेल जैसी लड़की मिल जाए तो क्या आप ऑफिसर बन जाएंगे उसके लिए? अब ऐसा सोचना तो मेरे हिसाब से वो नहीं है कि एक लड़की के पीछे करियर और लड़की अलग चीज़ है और दोनों मतलब पूरक नहीं बोल सकते। अगर कोई लड़की साथ दे रही है तो अपने लाइफ उसको अपना मान के दे रही है चाहे वो फेल हो ना हो, अगर नहीं भी दे रही है तो उसकी मर्जी है जो। रैंचो बाबा हैं ये कह रहे हैं कि करियर के पीछे भागो, लड़की तो पीछे पीछे आ ही जाएगी। अब तक यूपीएससी और सीजीपीएससी सबसे ज़्यादा अगर जो निकालते हैं वो इंजीनियर्स निकालते हैं, वो रीज़न ये है कि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से रहते हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी है ना वही, इसलिए तो मैक्सिमम संख्या मैक्सिमम आईआईटी एनआईटी और इंजीनियर्स कभी बेरोजगार नहीं रहते। हाँ, वो तो कह सकते हैं वो, ये बेरोजगार नहीं बेरोजगार तो नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ होना चाहिए यार फिर तो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैक्सिमम इंजीनियर है तो मैक्सिमम यही से ना निकल के आएंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, फिर तो ठीक है नंबर्स। छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत बात जो आप चाहती हैं कि वो क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, खूबसूरत बात योजनाओं से। और एक बात और, अगर आप ऑफिसर बन गई तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगी जो आपको लगता है ये बदलाव तो बेहद ज़रूरी है? अभी इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उतना नहीं आया जिसे मैं एक ऑफिसर को देखकर इमेजिन करूं कि मैं ये काम कर सकती हूँ। बट मुझे सबसे पहले शिक्षा को लेकर करना है कि मतलब जो आंगनबाड़ी वगैरह बच्चों के स्कूल में ना जितना प्रोवाइड कराते हैं सरकार उतना एक्चुअली मिल नहीं पाता उनको, तो उस फील्ड में मुझे सबसे पहले काम करना है। कॉफ़ी लवर है या चाय?
कॉफी। इंस्टाग्राम या फेसबुक? नथिंग। और एक बात बताइए, सोशल मीडिया के ज़माने में मैंने सुना है कि सीजी पीएससी जो लोग देते हैं, अपीयर करते हैं, वो लोग दूर हो जाते हैं, इतना बड़ा त्याग कर कैसे लेते हो आप लोग? एक्चुअली हम लोग यूट्यूब वगैरह जैसे वीडियो लेक्चर वीडियो रहता है उसमें देखते हैं, तो इंस्टाग्राम वगैरह इंटरटेनमेंट के लिए एक दो मिनट ओपन कर लेते हैं। ऐसा कि दिन भर बुक में घुसे घुसे रहना अच्छा भी नहीं लगता है, तो उतना यूज़ नहीं होता। कभी कभी तो मैं तो अनइंस्टॉल कर देती हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल ही रहता है मेरा। अभी 4 से 5 दिन बचा है हमारे 11 फरवरी आने के लिए, और बोला जाता है कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और वो उनको तो बिल्कुल भी नहीं करता जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े रहते, तो वैसे कैटेगरी से हैं आप लोग? नहीं, कोई नहीं है अपने पास, बचा 4 दिन है, लेकिन अपने को पढ़ने के लिए 14 दिन का सामान बचा है अभी भी। अच्छा, तो अभी रिविज़न शुरू हुआ नहीं हुआ? रिविज़न भी चल रहा है, बचा हुआ जो चीज़ है वो भी चल रहा है, सभी चल रहा है अभी। हाँ। मैनेज कर रहे हैं जैसे भी हो, एग्ज़ाम तो 11 को ही है। पूरी पढ़ाई चल रही है? बस रिविज़न चल रहा है। पूरा पढ़ लिया? पूरा तो होता ही नहीं है कभी, बस चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो? क्योंकि पेपर पास आ रहे हैं। इतनी टेंशन में? टेंशन को दूर करने के लिए क्या करती हो? कुछ नहीं, फोन चला लेती हूँ। कितने घंटे लाइब्रेरी में पढ़ती हो? मैं गोल है गवर्नमेंट जॉब या फिर जस्ट टाइम पास है, कुछ दिन टाइम पास कर लेते हैं और उसके बाद फिर आराम से पापा का बिजनेस संभालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में सीरियस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि करियर पे सीरियस नहीं है। अभी लग रहा है कि हम उतने तैयार नहीं हैं, तो कूल होके दिलाना चाह रहे हैं, और आगे है कि इसमें करियर बनाए और कुछ ऑफिसर बने ऐसा करके। छत्तीसगढ़ का ऐसा सबसे खूबसूरत पार्ट जो आप अभी CGGS में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं, ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। टूरिज्म, पर्यटन। आपके सबसे लोक संस्कृति। CGPSC या लड़की? CGPSC लड़की मिल जाएगी बाद। पहले ये फिर छोकरी, फिर छोकरी। ये बाबा रणछोड़ दास के मानने वाले हैं, जय बाबा रणछोड़ दास। आगे बढ़ते, CGPSC या दिल का सुकून? CGPSC, उसी से दिल का सुकून। CGPSC या रात की नींद? CGPSC, बाद में रात की नींद मिल जाएगी। मतलब जॉब तो हाथ में, सिर्फ कॉल लेटर आना है, फिर भी CGPSC क्यों? एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ है नहीं लग रहा है अभी तो। CGPSC क्रैक करना है, देन एक्सेल करना है अभी तो। वेल वेल वेल, ये था माहौल राजधानी रायपुर का CGPSC प्रीलिम्स स्कूल लेकर। एंटायर स्टूडेंट्स को हम ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे। कंपटीशन कम्युनिटी आकाको विशेस एंटायर स्टूडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल द बेस्ट फॉर CGPSC prelims. We are set for prelims.